आज की वीडियो में हम फिर से देखेंगे मीम्स। I'm loving this setup, I'm loving these memes. तो आओ शुरू करते हैं। ये मम्मी, मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि मैं बिना बताए बाहर जा सकूं? इतने बड़े अभी तक तेरे पापा भी नहीं हुए। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगा ये बात मेरी मम्मी ने बोली है। सॉरी पापा, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे पापा, वो शर्मा अंकल की बेटी को पैरालिसिस अटैक आया है। अरे बाप रे, वो कैसे? इन जैसों को चाटे पड़ने चाहिए। ऐसी कौन सी पत्नी है जिसको हमेशा पता रहता है कि उसका पति कहाँ है? हर पत्नी को पता होता है उसका पति कहाँ है। नहीं, सिर्फ विधवा को पता रहता है कि उसका पति कहाँ है। मैं गिरा होया बंदा, बंदा जमा नीच बली है। ज्यादा ही डार्क हो गया। भैया भैया भैया, आगे तक छोड़ दो क्या यार? एक छोटा सा शूट करना था। अच्छा चलो बैठो। ठीक है चलो। एक मैंने वो ऐसे रील देखी थी जिसमें युजेंद्र चहल की वाइफ ऐसे सुते धनश्री। वो हंसी लगा देना जरूर, नहीं तो लोग समझेंगे मैं पागल हूँ। बट यस, एक्स गर्लफ्रेंड शादी के लिए मना करते तो किसी को भी पकड़ो को भैया शूट करना है कैमरा लेके। और लोग कहते हैं कि चेस इज नॉट अ रियल स्पोर्ट, बट जो दग दग होती है, जो फीलिंग आती है, जो सब। मैं ईमानदारी से चीज बता रहा हूँ, जब गेम खेल रहा था ना, मुझे नहीं पता था समय भाई क्या कर रहा है, रफ्तार भाई क्या कर रहे हैं, स्क्रीन पे क्या चल रहा है आसपास मेरा, वो मतलब गोटियों में ही ध्यान था। गोटियों में ध्यान था मतलब समय भाई बोल के खराब करते हैं बात को। तुम सब चीजों को डबल मीनिंग मत लिया करो, हर चीज डबल मीनिंग नहीं होती। ये पूरा स्ट्रेस में खेल रहे होते हैं, पूरा देश देख रहा है, स्टेडियम में 1,00,000 लोग बैठे देख रहे होते हैं, आपके मन में क्या चल रहा होता है, आपकी क्या बातें होती है आपस में? मैं बात ही नहीं करती हूँ, जब वो बैटिंग करते हैं मैं बस ऐसे ही बैठती हूँ, चुपचाप बैठी देखती हूँ आप। और अगर वहाँ ना करे जल्दी आउट हो गए, पूरा मैच देखती है कि उठ के निकल लेती है? सब दोस्त लोग हैं ना, उनके लिए भी चेयर करना है। अच्छा, सबको आउट करा के जाती। बागों में हाय बोले जो कोयल। कॉपीराइट क्लेम आता है। बट अब तुम ये सुनो, जान न मेरी ले जाए बोले जो कोयल मुझे। जनरल बता रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा लगा था ये क्रेडिट की एड होगी, क्योंकि जब मैंने पहले देखी थी ना, क्योंकि क्रेडिट हमेशा बहुत डिफरेंट डिफरेंट एड्स लगे आता है, बट साइकिल की एड थी। आई अप्रिशिएट दिस। बेटे एक ग्लास ग्लूकॉन डी बना दे, एनर्जी लेवल लो लग रहा है यार। मासी से बात कर लो ना। बड़ा चाटा, तू भी बढ़िया काटता ब्रो, पर तुझ में वो वाली बात नहीं है, वो तुझसे भी बढ़िया काटती थी। अच्छे में काट गई भाई साहब, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ, फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री में हूँ। मैनकाइंड सुनाऊं? सुनाओ। INDUSTARY इंडस्ट्री। जिस चीज की नॉलेज ना हो उसमें ज्ञान नहीं देना चाहिए भाई। हम तो सीधा एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हमारे को इस चीज की नॉलेज नहीं है भाई, पर लोगों को इंडस्ट्री के स्पेलिंग नहीं आते, पर फिर भी फार्मा इंडस्ट्री में फार्मा के स्पेलिंग पूछ लेते ना तो एफ से शुरू करता। टप्पू के पापा सुनते हो? टप्पू के पापा चुप हो जा सातवीं फेल। को ना 3 सेकंड दूंगा आपको, बिना सोचे जल्दी जवाब देना। तो आप पापा की क्या है? परी हूँ। माँ की? बेटी हूँ। बहन की लो। ओए, ये क्या चल रहा है भाई, ये क्या देख रहा है? ये सारा ये स्क्रिप्टेड था भाई, ऐसा नहीं होता यार। क्या बात करो। बहुत सारे लोग आप पे रोस्ट वीडियोस बनाते हैं, रिएक्शंस बनाते हैं, कभी कभी ट्रोल भी करते हैं, और आपका क्या रिएक्शन होता है इन पे? तो हाँ, मैं सारी वीडियोस देखता हूँ, जो भी रोस्ट या फिर जो जेन्युइन मुझे लगती है सारी। तो प्रिया, आपका क्या रिएक्शन होता है जब कोई सौरभ पे रोस्ट करता है या कोई बुरी भली चीजें बोलता है? तो मैं उसकी वीडियो लाइक कर देती। क्या क्या क्या, ये जेन्युइन में बोला है क्या? तो मैं उसकी वीडियो लाइक कर देती हूँ। हम सारे भी मजाक कर रहा। आई मेट समवन स्पेशल ऑन योर डिस्कॉर्ड इन नवंबर 2020 ड्यूरिंग पैंडेमिक। हमारी दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, और 3 साल बाद लास्ट नवंबर में शादी हो गई हमारी। योर सर्वर वाज लाइक क्यूपिड टू अस। अरे दैट गर्ल, नाउ आई एम बैक, सो अब क्या पता डिवोर्स भी नहीं। Bro didn't even hesitate. लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में दो चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और जितना खड़े रहने का अपने ड्रीम के साथ। अगर आपके सपने
इतने स्ट्रॉन्ग है ना, तो उन्हें कहते हो आपको कोई नहीं रोक सकता उन्हें पूरा करने का। अब मुझे लगता है ये नीता अंबानी से ज्यादा सूट करता है हैदराबाद वाली काव्या जी पे, उनको बोलना चाहिए बात। लेवल सबके निकलेंगे, पर निकलेंगे उनके जो यहाँ खड़ा रहेगा, क्योंकि अंबानी जी क्या हो रहा है यार, अंपायरों को बोलो कुछ मदद करे यार, जीत नहीं पा रही मुंबई इंडियंस यार। ठीक है मैं बात, आईपीएल के मोस्टली कप सुनी के पास है, बट यार फिर भी समझो ना यार, पिछला जो मैच हुआ केकेआर मुंबई का इतना पास, मतलब 170 रन बना रहे थे, क्यों नहीं मार पाई मुंबई। मैम कैन आई डू सू? नो सू। भाई ने पूछा ही क्यों जब कर रही था तो ऐसे ही। गेटा भाई क्या कैंसल, गेटा भाई ऐसा मत करो, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं। छोटे बीवी कंट्रोल। और कुछ खाना है? हो गया? या आई एम गुड बस। या भैया बिल ले आओ। कशिश मैं अपना बैग नहीं लाई, वो रूम में ही भूल गए। कोई बात नहीं बेबी, कैसी बातें कर रहे हो, मैंने देख लिया था कि आप बैग घर पे ही भूल गए हो, तो मैं उठा के ले आया, ये लो। मैं गिरा होया बंदा। ओनली वे जब आप अपनी फीमेल फ्रेंड से पैसे भरवा सकते हो, तो कैसे पैसे भरवाओगे? ऐसे देख लिया करो कि वो हमेशा बैग लेके जा रही है, वहाँ से खास कैरम मंगा रहा है। क्यों जेठा बड़ा कैरम? उड़दा पंजाब, उड़दा पंजाब। क्या मिला प्यार करके? एल। तो भाई लड़की से करना था ना। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली। Oh my God, the memes are getting very dang, guys. मेरे कोई भी मीम आते हैं, अगर किसी को किसी को ये मीम से ऑफेंड होता है तो दिव्यांश के कमेंट सेक्शन में जाके उसको बोल दिया करो जो बोलना है, मेरे मीम्स आज भी दिव्यांश भेजता है। ब्राउन फैमिलीज, नया साबुन आया पुराना साबुन से, चप्पी वाले चप्पी वाले। हाँ यही तो होता है, यही तो होता है। तू कौन सी स्ट्रीम से? कॉमर्स। साइंस स्ट्रीम से? कॉमर्स। अरे फालतू। कॉमर्स वाले तो ऐसे सोचते लोग। आपको पता है ये दलाल है? काय का मतलब? इसका नाम रजत दलाल है। अलग ही लेवल पे जा रहे हो, और ऊपर से भाई कॉमर्स वालों की कोई इज्जत नहीं है यार, क्यों नहीं है भाई, इक्वल इज्जत है। वो एक रील देख रहा था जहाँ पर वो कहता है साइंस वाला गाड़ी चला रहा है, कॉमर्स वाले को पीछे डालता है, और पीछे आर्ट्स वाला, तो आर्ट्स वाला कहता है हाय। कोई सवाल करिएगा सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ही है। अच्छा मुझसे डायरेक्ट है आप? जी जी बोले सर। मैं आपका शो देखता रहता हूँ, तो मैं ये क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ कि ये बॉयज का एक दुख है। दुख है बॉयज? जी जी बताओ। आपका ये जो कैमरा मैन है, ये जब ओवरऑल व्यू दिखाता है तो पूरी ऑडियंस को दिखाता है, सही बात है, लेकिन जब फोकस करता है तो गर्ल्स पे ही फोकस करते हैं, क्यों? मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। ये तो आईपीएल वालों के साथ भी है ना, लगता है आईपीएल का ही कैमरामैन है। तीन चीजें जो अंधेरे में की जा सकती हैं। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बली है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अंशु क्या बात है? क्या हो गया मम्मी? आज तो बड़ा सुंदर लग रहा है। आप भी नाले करो, आप भी लगोगे। मम्मी आप बिना नहाए भी सुंदर लगते हो। पहले बोलना था ये बात बेटा। अरे जानवी मैम कल क्लास में क्यों नहीं आए? अरे वो मैं बेहोश हो गई थी बेटा, मेरी ना तबीयत खराब थी। पढ़ाई के टाइम पे सबको नींद आती है। अच्छा था। अरे मम्मी वो बुआ। क्या बुआ? बुआ यार दोनों बाप बेटे ने पागल कर रखा है। बुआ 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 क्या बुआ? कॉल पर है जी। और बाहुबली हो गई, कलेश हो गया भाई घर में, कलेश हो गया, सॉरी भाई घर में कलेश हो गया। टेढ़े नहीं होने, सीधे रहने, ठीक है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बरत है ये सावन, जान न मेरी ले जाए, बोले जो कोयल बागों में, बोले जो कोयल। क्या बोलेगा कोयल? अभी मस्त लग रहा अपना माई भाई साइकिल पे। भाई साइकिल नहीं, ई मोटर राइड है, पेडल भी और एक्सीलेटर भी, बैटरी भी, फोन भी, सब चार्ज होता है। क्या बात कर रहा है? हाँ तो, और 70 किलोमीटर का रेंज भी देती है। वाह, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, पूरी एड कवर हो गई यार इसमें। एक्चुअली ऐसी एड बनाओ कि लोग मीम रिएक्ट करते करते उस एड की रीच ही बहुत ज्यादा हो जाए, तो कूडोस टू द एड टीम। अगर हम लोग जीत गए तो आप लोगों को रोज ये कहना पड़ेगा कि हम औरतें ही होशियार हैं और आप लोग बेवकूफ। अगर हम मर्द लोग जीत गए तो फिर औरतों को भी बोलना पड़ेगा कि भाई सारे मर्द होशियार हैं और औरतों की अकल घुटनों में।
आपकी नहीं बबीता जी, आप जी रहे हो आपके साथ थोड़ी ऐसे कर सकते हैं जेठा जी। प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं, गेमर मोदी जी। मोदी जी भी लाइक कहीं से भी किसी को नहीं छोड़ूंगा, सारे क्षेत्र कवर कर लूंगा, यूट्यूब हो या कोई हो, गेमर भी बनूंगा, यूट्यूबर भी बनूंगा। बहुत अच्छा मोदी जी, बहुत अच्छे। बट दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।